हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड ऑथेंटिकेशन विद फायरबेस कोर्स में। एंड इन दिस वीडियो हम हमारी एप्लीकेशन में गूगल साइन इन की फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। सो मैं नाउ हमारे साइन इन बटन पे क्लिक करने वाला हूँ और आपको उस फीचर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। सो एज यू कैन सी, हम हमारे कस्टम साइन इन में मूव कर लेते हैं एंड हियर बिलो देयर इज अ बटन कॉल्ड इज गूगल साइन इन। सो हम इस बटन पे थोड़ी सी देर में क्लिक करेंगे। फॉर नाउ मैं हमारे लॉग इन पेज पे मूव कर रहा हूँ एंड यू विल सी यहाँ पे कोई गूगल साइन इन का बटन नहीं है क्योंकि लॉग इन पे गूगल साइन इन की जरूरत नहीं है। सो मैं रजिस्टर में मूव कर रहा हूँ एंड मैं इस गूगल साइन इन बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एक पॉपअप दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे मेरे सारे मेल अकाउंट शो हो रहे जो इस डिवाइस में लॉग इन है एंड मैं इसमें से एक सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड जस्ट वेट अ बिट एंड नाउ हमारी गूगल साइन इन सक्सेसफुल हो चुकी है और हम हमारी मेन एक्टिविटी में रीडायरेक्ट हो चुके हैं। एंड नाउ हमें साइन आउट करने के लिए सिर्फ साइन आउट बटन को क्लिक करना है एंड ईमेल साइन आउट हो चुका है। यप, दैट्स इट। ओके, सो हम गूगल साइन इन हमारी एप्लीकेशन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे लेआउट के अंदर एक साइन इन का बटन ऐड करने वाला हूँ गूगल साइन इन का। सो मैंने ऑलरेडी उसे कॉपी करके रखा है, मैं उसे पेस्ट कर रहा हूँ। सो ये साइन इन बटन हमें गूगल से बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड मिलता है। आप चाहो तो अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको यही बटन यूज़ करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बटन इज दिस गूगल बटन। ये आईडी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने प्रोवाइड की है। ओके, एंड यहाँ पे आइकन शो नहीं हो रही बट वो रन टाइम में शो होगी। ओके, एंड नाउ सिंस हमने UI रेडी कर ली है, अब हमारी कोर फंक्शनैलिटी पे जाते हैं। सो सबसे पहले हमें Firebase के अंदर गूगल साइन इन ऑन करना पड़ेगा। सो सिंपली मूव टू योर Firebase प्रोजेक्ट एंड हियर ऑथेंटिकेशन एंड यहाँ पे साइन इन मेथड्स करके अलग अलग है। सो हियर एड न्यू प्रोवाइडर एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड आर फोकस इज ऑन गूगल साइन इन। सो सिंपली सिलेक्ट इट एंड सिंपली अनेबल इट। एंड एज यू मूव बिलो आपको यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स देखेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ईमेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं मेरा बाय डिफॉल्ट ईमेल सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड एक्चुअली हमें यहाँ से वेब SDK क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए। सो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा फिलहाल के लिए। इट इज़ शोइंग अनेबल गूगल साइन इन टू गेट इट। सो पहले हमें इसे सेव करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वंस इट्स सेव्ड हम इस पर वापस क्लिक कर सकते हैं एडिट पे। एंड एज यू मूव बिलो जस्ट क्लिक ऑन दिस वेब SDK कॉन्फ़िगरेशन एंड यहाँ से हमारे लिए क्लाइंट ID इंपॉर्टेंट है। सो सिंपली कॉपी इट आउट Ctrl+C एंड मैं इसे पेस्ट करूँगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रिंग्स में। सो स्ट्रिंग्स एंड यहाँ पे मैं एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ एंड विच विल बी क्लाइंट ID। आप कोई भी नेम रख सकते हो, दैट डजेंट मैटर एट ऑल, बस ये ID हमारे लिए ज़रूरी है। सो Ctrl+V एंड ये नाउ हमें कुछ वार्निंग दे रहा है। सो रिप्लेस विद सजेस्टेड कैरेक्टर्स एंड ऑल राइट। एंड आफ्टर दैट अगर आपने अपने Firebase में SHA-1 सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया तो आपको उसे भी ऐड कर लेना चाहिए। सो हाउ यू कैन डू दैट। ओके, सो अगर आपने ये कोर्स स्टार्टिंग से फॉलो किया तो आपने उसे ऑलरेडी ऐड कर लिया, आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर सिंपली जस्ट मूव बिलो एंड यहाँ पे एक SHA-1 सर्टिफिकेट करके जो हमने ऐड किया है, सो अगर आपने ऐड नहीं किया तो आप इसे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। एंड फॉर मोर हेल्प आप मेरे वीडियो नंबर 3 को देख सकते हो इसी प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, सो नाउ जस्ट मैं से कोलैप्स कर रहा हूँ, हमारे Firebase का वर्क भी हो चुका है। नाउ आफ्टर दैट हमें कुछ कोर्स करने हमारे रजिस्टर एक्टिविटी के अंदर। सो ये क्रिएट अकाउंट, ये कोर्स हमने लास्ट टाइम किए थे, सो मैंने कोलैप्स करो फॉर नाउ एंड यहाँ पे मैं गूगल बटन के ऊपर एक लिस्नर सेट करूँगा। सो बाइंडिंग डॉट गूगल बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर एंड नाउ इस गूगल बटन के अंदर हमें कुछ कोड्स लिखने हैं। सो मैं उन कोड्स को कहीं से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ फ्रॉम गूगल ओनली। ओके, सो यू कैन सिंपली सर्च गूगल साइन इन Firebase एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल साइन इन ऑन एंड्रॉयड आपको शो करेगा। सो सिंपली क्लिक ऑन इट। मैं चाहो तो ये कोड्स मैं स्क्रैच से लिख सकता हूँ बट इट विल अननेसेसरली कंज्यूम आर टाइम। सो यहाँ पे कोड्स अवेलेबल है, सो सिंपली सिलेक्ट दिस Kotlin+KTX। हमें जावा नहीं चाहिए। सो सबसे पहले हमें बोलेगा कि हम ये डिपेंडेंसीज हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर लेनी चाहिए एंड एक्चुअली इसमें से मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंसीज हमने ऐड कर लिए, ये वाली एडेड है, ये नहीं है। सो हम लोग इसे थोड़ी सी देर में कर देंगे एंड आफ्टर दैट जस्ट मूव बिलो एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ Firebase के लिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपको ये कोर्स एग्जीक्यूट कराने। सो फॉर नाउ मैं इन कोर्स को जस्ट कॉपी करो, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँगा कोर्स करते क्या है। सो सिंपली हियर एंड ये कोर्स हमें हमारे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर पेस्ट करने। ओके, सो इट्स बिट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो सिंपली पेस्ट इट हियर
सो ये कोड्स हमारे लिए रिक्वेस्ट क्रिएट करने का काम करेगा और यहाँ पे कुछ एरर्स है सो पहले मैं उन्हें रिजॉल्व कर लेता हूँ. सो यहाँ पे डिफॉल्ट वेब क्लाइंट आईडी की जगह पे जो भी हमने क्लाइंट आईडी हमारे स्ट्रिंग्स में सेव किया उसे ले लो एंड हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ओके सो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वैल गूगल साइन इन क्लाइंट एंड आफ्टर दैट ये हमें यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है कि गूगल साइन इन एग्जिस्ट नहीं करता. सो सिंपली राइट क्लिक ऑन इट शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस एंड ये हमें बोलेगा यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है सो दिस हमें वो सिर्फ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है. सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड लाइब्रेरी इंपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है. सो लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है एज यू कैन सी यहाँ से एरर भी रिजॉल्व हो चुकी है. एंड ये जो कोड्स है GSO गूगल साइन इन ऑप्शंस ये हमारे लिए जो इनिशियल पॉपअप है गूगल का उसे लोड करने में हेल्प करते हैं जो हमसे ईमेल रिक्वेस्ट करता है एंड उसके बाद गूगल साइन इन क्लाइंट के अंदर हम लोग उसे सेट कर रहे हैं एंड थोड़ी सी देर में इस गूगल साइन इन क्लाइंट की मदद से हम लोग एक इंटेंट को कॉल करेंगे जिसे उस पॉपअप को शो करेगा. सो नाउ लेट्स मूव बिलो एंड यहाँ पे जो गूगल बटन करके है इसके अंदर हम लोग कुछ वर्क करेंगे. सो सबसे पहले मैं ये जो गूगल साइन इन क्लाइंट है इसे साइन आउट करूँगा. सो यू विल थिंक अब तक हमने साइन इन ही नहीं किया या लॉग इन भी नहीं किया और आप उसे पहले ही साइन आउट कर रहे हो. एक्चुअली अगर आप ये साइन आउट नहीं करते तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करोगे तो आपको वो पॉपअप शो होता है बट नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करोगे वो पॉपअप बाय डिफॉल्ट डिसमिस हो जाता है और जो डिफॉल्ट ईमेल आपने लास्ट टाइम सिलेक्ट किया था वही सिलेक्ट हो जाता है. एंड सिंस आई डोंट वॉन्ट टू यूज द डिफॉल्ट सिलेक्टेड ईमेल इसलिए मैं यहाँ पे पहले साइन आउट कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट मैं उस पॉपअप को कॉल करूँगा. सो हाउ टू कॉल दैट पॉपअप सो यहाँ पे सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं एंड एक्चुअली ये डेप्रिकेटेड है बट स्टिल इट वर्क्स फॉर अस. सो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटेंट पास करना पड़ेगा. सो सिंपली गूगल साइन इन क्लाइंट डॉट साइन इन इंटेंट कॉमा इसके बाद हमें एक रिक्वेस्ट कोड पास करना पड़ेगा. सो मैं सिंपली 13 पास कर रहा हूँ आप कोई भी पास कर सकते हो. ओके इट्स जस्ट अ कोड एंड नाउ हमें ये ऑन साइन इन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा. सो सिंपली जस्ट मैं वहाँ से कुछ कोड्स क्विकली कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज इट विल सेव आर टाइम. सो यहाँ पे जो साइन इन का कोड है इसे हमने ऑलरेडी वन लाइन के अंदर लिख लिया सो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंड आफ्टर दैट ये जो नीचे के कोड्स है इनकी हमें ज़रूरत है. सो जस्ट कॉपी इट आउट एंड पेस्ट इट इन आवर प्रोजेक्ट. सो हियर सिंपली बिलो कंट्रोल वी एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे कोड्स की ज़रूरत नहीं है जैसे कि इस कोड की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है लॉक स्टेटमेंट्स की. सो मैंने यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ दिस अननेसेसरी कोड्स एंड एक्चुअली हमें कैच की भी ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट रिमूव इट टू एंड यहाँ पे RC साइन इन की जगह पे जो कोड आपने ऊपर यूज़ किया आप उसे सिंपली यूज़ कर सकते हो. एंड एज इट सेज रिजल्ट रिटर्न फ्रॉम लॉन्चिंग द इंटेंट. सो एक बार इंटेंट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और यूजर ने क्या सिलेक्ट किया उसके ऊपर हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा एंड हमें उसके साथ वर्क करना है. एंड यहाँ पे मुझे एक एरर दिखाई दे रही है एंड एक्चुअली मुझे ट्राई ब्लॉक की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है. ओके सो सिंपली रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड आफ्टर दैट मैं इस कमेंट को भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एंड मैं थोड़े से कोड उसको रिफैक्टर कर लेता हूँ. एंड यहाँ पे ये फायरबेस ऑथ विद गूगल का हमने फंक्शन क्रिएट नहीं किया हम लोग इसे थोड़ी सी देर में करेंगे. एंड यहाँ पे मैं एक कंडीशन और चेक करूँगा इट्स बिट इम्पॉर्टेंट ये जो रिजल्ट कोड हमें मिला है इज इक्वल टू रिजल्ट ओके देन ओनली दिस कोड शुड एग्जीक्यूट और एल्स कुछ ऐसी कंडीशन होगी जब आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी. नाउ इस फंक्शन को हमें क्रिएट करना है सो मैं इसे जस्ट सिंपली इस पेज से कॉपी कर रहा हूँ. सो सिंपली हियर दिस फंक्शन सो जस्ट कॉपी इट आउट एंड हमारे प्रोजेक्ट में मूव करते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो कंट्रोल वी एंड इसमें हमें बहुत सारी कोड्स की ज़रूरत नहीं है जैसे कि दिस एल्स वन सो जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड इनकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. ओके एंड जस्ट कोलैप्स इट एंड यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस मैंने एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया है एंड ऑल राइट एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ऑथ का ऑब्जेक्ट हमने मेन एक्टिविटी में क्रिएट किया सो सिंपली मेन एक्टिविटी डॉट ऑथ विच मीन्स हमने फायरबेस ऑथ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके रखा है दिस वन हम इसे वहाँ से यहाँ एक्सेस कर ले हमने इसे इनिशियलाइज किया था जस्ट हियर सो जस्ट मूव टू आर रजिस्टर एक्टिविटी एंड अगर वो सक्सेसफुल है तो मैं चाहता हूँ आप मेन एक्टिविटी में मूव कर लो. सो मैं जस्ट ये कोड ऊपर से थोड़े से कॉपी करने वाला हूँ दिस क्रिएट के अंदर से एंड जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड कोलैप्स इट एंड जस्ट पेस्ट इट बिलो एंड मैं लॉगिन में मूव नहीं करना चाहता मैं डायरेक्टली मेन एक्टिविटी में मूव करना चाहता हूँ. सो मेन एक्टिविटी एंड अगर ये फेल होता है इन दैट केस ऑन फेलियर लिसनर सो मैं सिंपली टोस्ट मैसेज शो करूँगा टोस्ट डॉट
मेक टेक्स्ट एंड सिंपली दिस कॉमा जो भी इट डॉट लोकलाइज मैसेज कॉमा टोज डॉट एंड डॉट शो ओके एंड विद दिस हमारे गूगल साइन इन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है यप डैट्स इट ओके सो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर हमारे रिक्वेस्ट को क्रिएट करना है एंड आफ्टर दैट जब भी गूगल का बटन क्लिक होगा एट दैट टाइम हमें इस रिक्वेस्ट से इंटेंट को शो कराना है एंड जब रिजल्ट रिसीव होगा एट दैट टाइम अगर हमें एक सक्सेसफुल और वैलिड ईमेल एड्रेस मिला है तो हमें इस फायरबेस ऑथ को कॉल करना है एंड यहाँ पे ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है साइन इन विद क्रेडेंशियल्स सो ये हमारे लिए गूगल से अकाउंट को साइन इन कर देगा एंड इसे हम लोग एक आईडी टोकन प्रोवाइड करें जो हमें यहाँ ऊपर से मिल रहा है एंड अगर आप अभी अपनी एप्लीकेशन को रन करके चेक करोगे इट विल वर्क परफेक्टली फाइन बट वन मोर थिंग मैं इस कोर्स में फिक्स करना चाहता हूँ सो मैं हमारे मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ मैं नहीं चाहता कि यूज़र जब साइन इन पे क्लिक करे तभी वो रजिस्टर एक्टिविटी में मूव करे मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट अगर यूज़र साइंड इन ना हो तब भी वो रजिस्टर एक्टिविटी में मूव करना चाहिए ओके हम लोग ऐसे रैंडमली बटन्स ऐड नहीं कर सकते सो फॉर दैट मैं ये साइन इन का जो कोड है इससे पहले कुछ कोड्स यहाँ पे लिखने वाला हूँ सो एक्चुअली मैं इस ऑथ के बाद ही कोड्स लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूँगा इफ ऑथ डॉट करंट यूजर इज इक्वल टू नल विच सिंपली मीन्स कि यूजर ने अब तक लॉग इन नहीं किया है सो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए सो इन दैट केस में ये स्टार्ट एक्टिविटी में रजिस्टर एक्टिविटी का कोर्स पेस्ट कर दूंगा सो हियर रजिस्टर एक्टिविटी में मूव हो जाओ एंड फिनिश एंड दैट्स इट ओके ये बाय डिफॉल्ट अगर यूजर लॉग इन नहीं होगा तो रजिस्टर में मूव कर देगा सो नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट सो फाइनली ग्रेडल इज बिल्ट एंड ऐप इज इंस्टॉल्ड एंड मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक अकाउंट से साइन इन हूँ ओके सो मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा एंड गूगल साइन इन करने वाला हूँ सो यू विल सी वो पुराना अकाउंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा सो मैं गूगल साइन इन पे क्लिक करता हूँ एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे मेरे सारे जीमेल अकाउंट्स दिखा रहे सो मैं इनमें से एक सिलेक्ट करूँगा गूगल साइन इन नहीं हो रहा नाउ व्हाई दिस इशू इज हैपनिंग आई थिंक इसका रीज़न हमारा शायद वेब क्लाइंट आईडी हो सकता है हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे आईडी को यहाँ लाने के बाद सो मैं इसे फिर से कॉपी करने वाला हूँ हमारे फायरबेस से सो गूगल एंड हियर दिस वेब SDK कॉन्फ़िगरेशन एंड यहाँ से वेब क्लाइंट आईडी जस्ट कॉपी इट आउट एंड हियर कैंसल एंड जस्ट मूव टू आवर प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे मैं इस आईडी को पेस्ट करने वाला हूँ कंट्रोल वी एंड यहाँ पे मुझे एक वार्निंग दिखा रही है सो मैं इसे रिप्लेस विद सजेस्टेड कैरेक्टर की जगह पे सप्रेस टोपोग्राफिक डैशेस डालने वाला हूँ एंड नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट सो अगेन ऐप इज इंस्टॉल्ड एंड मैं पहले यहाँ पे साइन आउट करने वाला हूँ जस्ट टू टेस्ट के हमारी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली रजिस्टर में मूव करती है कि नहीं साइन इन के बिना सो नाउ लेट्स रीरन इट अगेन एंड एज यू कैन सी हम लोग रजिस्टर एक्टिविटी में डायरेक्टली मूव कर चुके हैं एंड यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मुझे फिर से पॉपअप दिख रहा है सो मैं ये नीचे वाला अकाउंट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड एज यू कैन सी मैं यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका हूँ ओके विच सिंपली मीन्स हमारी गूगल साइन इन की फंक्शनैलिटी परफेक्ट वर्क कर रही है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय